चलिए भाई शुरू करें प्लीज, बातचीत नहीं। लास्ट टाइम हमने वैट पढ़ना शुरू किया था और थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं तो वैट की फुल फॉर्म थी वैल्यू एडिशन टैक्स एंड एट प्रेजेंट दिस नेम इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर सेल्स टैक्स बिकॉज आई टोल्ड यू कि एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स के लिए जो क्रेडिट सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया उसको ये लोग बोल रहे हैं सैन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। और जो वैट है ये बेसिकली इन्होंने स्टेट लेवल का सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट लेवल पे लग रहा है, हर स्टेट अपना अलग वैट एक्ट बनाई, लाइक इन दिल्ली इट इज दिल्ली वैट एक्ट, इन गुजरात इट इज गुजरात वैट एक्ट, दैट इज द सिस्टम। सेल्स पर सेल्स टैक्स लग रहा है, सिंपल सिस्टम जो क्रिएटेड है वो ये कि जो भी आपका सेल्स टैक्स बनता है, रेट गिवन है, उसमें से जो आपने इनपुट खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया था वो माइनस कर दो, बस सिंपल है, ठीक है। कोई इसमें लाइक पहले जैसे होता था डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते थे वो कुछ नहीं चाहिए, सिंपल क्या चाहिए, टैक्स इनवॉइस, एक प्रॉपर बिल चाहिए जिसमें सर्विस टैक्स और सॉरी सेल्स टैक्स यानी वैट लगा हुआ, बस ओनली दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जो बायर और सेलर हैं दोनों ही रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो रजिस्टर्ड डीलर्स होने चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना। वैट रेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कुछ जीरो रेटेड सेल्स होती हैं लाइक एक्सपोर्ट सेल्स और सेल्स टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ईओयूज, ये सब आ जाएगा। फिर बाकी 1% है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में, ठीक है, 4% फॉर असेंशियल एंड 12.5% फॉर अदर्स। वैसे इसके अलावा एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं और 20% वाली भी कुछ आइटम्स हैं, लेकिन 20% भी फ्लोर रेट है, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, लाइक पेट्रोल डीजल एंड मोटर व्हीकल्स एंड अदर फ्यूल वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब आज ही आज सारा सब्जेक्ट मैटर और डिटेल में आज डिस्कस होने वाला है, ठीक है। मेनली यही पढ़ाया था, है ना। फिर सीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं दैट इज इंटर स्टेट सेल एंड इट इज सब्जेक्ट टू सीएसटी। सीएसटी का रेट कितना होता है, लोकल और 2% विच एवर इज लो, ठीक है। क्रेडिट की जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट मिलता है, लेकिन अगर हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो टैक्स लगता है सीएसटी उस स्टेट में जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो क्योंकि वो दूसरे स्टेट में ही रह गया टैक्स, तो इसलिए दूसरी गवर्नमेंट उसका क्रेडिट अलाउ नहीं कर रही। आई थिंक दिस इज वेयर वी फिनिश्ड। एनी डाउट? नो, वी आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम पेज 14। सो we are starting from page 14, input tax credit, ठीक है। page 14 we are starting with input tax credit। I think पूरा अच्छे से मैं ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, am I right? खरीदते वक्त जो टैक्स लगा, टैक्स invoice होगा, टैक्स invoice में बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा ये मेरी सेल है, ये इसका रेट है, ये इसका अमाउंट है, वो माइनस हो जाएगा, बस दैट इज ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कुछ है ही नहीं। बता रही सुनने, इनपुट टैक्स क्रेडिट सीएसटी का नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलता, यानी मिलता किसका है, सिर्फ वैट का। तो क्वेश्चन में जानबूझ के आपको तंग करने के लिए जब आईटीसी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन ही आईटीसी का आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो वो एक ही चीज बार बार पूछते रहते हैं। जो मैं आपको 10 ईयर्स कराऊंगा ना तो आपको यही लगेगा कि एक ही क्वेश्चन हर साल आता है क्या, वही चीजें बार बार आती रहती हैं। तो आपको बस यही समझना है कि सिर्फ जो क्रेडिट मिलना है वो वैट का मिलना है। ऑब्वियसली मैं आपको पहले 1000 बार बता चुका हूं कि वो सेंट्रल वैट और उसका चक्कर है, इसलिए वो जितने भी और टैक्सेस क्वेश्चन में जानबूझ के दिए होते हैं, अच्छा क्वेश्चन में सही दिए होता है इन द सेंस की रियल लाइफ में तो सभी कुछ लग रहा है ना, और प्रॉब्लम यही आ रही है कि वैट से सिर्फ वैट ही एडजस्ट हो पा रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि पहले तो ये भी एडजस्ट नहीं होता था, पहले तो ये एडजस्टमेंट भी नहीं थी, कम से कम वैट आने के बाद वैट से वैट तो एडजस्ट हो रहा है। तो दैट वे अभी चल रहा है सिस्टम, धीरे धीरे आप लोग अभी तो पढ़ना शुरू किया है, फाइनल में भी वैट है सिलेबस में, सीए बनने के बाद भी जैसे मैं हमेशा बोलते हैं तो लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट है, आप देखोगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट्स अभी ड्यू हैं, है ना। आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, क्या जीएसटी, आज नहीं तो कल ये सिस्टम लाना ही पड़ेगा इनको, उसके बिना ट्रांसपेरेंसी नहीं आती सिस्टम में, जो मेरे टैक्स लगे वो माइनस करो बात खत्म। अगर मैं ऑलरेडी किसी चीज पे 100 रुपए टैक्स दे चुका हूं, चाहे वो वैट की फॉर्म में दिया चाहे सर्विस टैक्स की फॉर्म में दिया, जैसे भी दिया है ना 100 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को, और अगर 150 रुपए लग रहा है तो लॉजिकली यही है कि 100 तो पहले गए हुए ना सर आपके पास, 50 रुपए और ले लो बात खत्म करो, तो वैट इज अ मोस्ट लॉजिकल थिंग। बट ठीक है, इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, सो मेनी पीपल आर देयर, तो वी शुड नॉट जस्ट ब्लेम द सिस्टम, इट टेक्स टाइम टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस, ठीक है।
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी सिंपल थिंग, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं, उसको पढ़ रहा हूं. सिंपली इट मींस इन ए पर्टिकुलर पीरियड से अ मंथ. अब ये बात यहीं पर समझने की है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझे हुए तो जरूरी नहीं कि मैं एंड तक जाऊं. जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करते हैं वो डेली बेसिस पर नहीं करते, वो हम अलाउ करते हैं टैक्स पीरियड में. ठीक है, वो टैक्स पीरियड कितना होता है? इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी अ क्वार्टर, इट कैन बी हाफ ईयरली और इट कैन बी ईयरली. इसका फैसला कैसे होता है? इसका फैसला हर स्टेट में अलग अलग है, बेस्ड ऑन द टर्नओवर्स. ठीक है, अलग अलग लिमिट्स हो सकती हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर 5 करोड़ से ऊपर की सेल है, महीने के महीने रिटर्न फाइल करो. बात आ रही समझ? 1 करोड़ से ऊपर की सेल है, क्वार्टरली करो. 50 लाख से ऊपर की सेल है, कैसे करो, हाफ ईयरली करो, मंथली करो, जैसा भी. तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो सिस्टम चलता है वो ये चलता है, टैक्स पीरियड का ले लेते हैं. 1 महीने की अगर निकालनी है तो 1 महीने की, 3 महीने की निकालनी है तो 3 महीने की. जो भी सेल्स है उस पर जितना भी टैक्स है, व्हाट इज दैट नोन एज दैट, जो सेल्स, हाँ, आउटपुट सर, सेल्स पर जो टैक्स है दैट इज आउटपुट टैक्स. और उसमें जितनी भी आपने उस महीने में परचेजेस किए दैट इज इनपुट टैक्स. ठीक है, ये जरूरी है कि जितनी सेल्स परचेजेस किए और सेल्स किए उसका टैक्स में हमेशा सेल्स का ही टैक्स ज्यादा आएगा, परचेज का भी ज्यादा आ सकता है. ये भी तो पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि परचेजेस तो आपने काफी कर ली, सेल उतनी की नहीं, माल पड़ा हुआ अभी, तो क्या पूरा क्रेडिट अलाउ हो जाएगा? द आंसर इज येस. ये चीज ध्यान रखना बहुत कंफ्यूज करती है. वो क्वेश्चन जानबूझ के बोलेगा कि आपने 1000 आइटम खरीदी थी और 800 आइटम बिकी, तो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का अलाउड होगा? 800 का कि 1000 का? 1000 का. इसमें पीरियड के बेसिस पे चलते हैं, आइटम से नहीं है, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सपोज आपने 8 आइटम खरीदी अलग अलग रेट पे और 10 आइटम बेची, तो वो तो फिर टेंशन हो जाएगी. इसलिए वैट वालों ने क्या किया, सिंपल है भैया, जो टोटल टैक्स बन रहा है उसमें से जो टोटल टैक्स पे कर दिया इनपुट की फॉर्म में वो माइनस कर दो. आइटम टू आइटम मैच नहीं करते, आई रिपीट, आइटम टू आइटम मैच नहीं करते. जो टोटल आउटपुट टैक्स है उसमें से जो टोटल इनपुट टैक्स है वो माइनस करते हैं. रेट अलग अलग भी होंगे, क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा सेल हुई इतनी 1% की, इतनी 4% की और इतनी 12.5% की. इमेजिन समथिंग लाइक अ मॉल, बिग मॉल, वहां तो आपको पता है हर तरह की चीज बिकती है, ज्वेलरी भी बिकती है, एक ही है शॉप, शॉप है ना एक तरह से, डीलर है, बड़ा है, तो क्या हो गया? बात तो वही है, वहां पर 4% वाली आइटम भी बिकती है, 12.5% वाली आइटम भी बिकती है. ऐसे जो उन्होंने परचेजेस कर रखी होती है वो भी अलग अलग रेट पे है, उनके पास तो इंपोर्टेड आइटम्स तक होती हैं, तो परचेज के नाम पर उनके पास इंपोर्टेड आइटम्स भी हैं, दूसरी स्टेट्स के आइटम भी हैं, लोकल भी हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड भी हैं. बताओ क्या नहीं होता मॉल में? आप बड़े मॉल्स में जाते हो, जो कई बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मोर है, इसके अंदर तो कई प्रोडक्ट्स तो मोर के अपने ही आ गए, आए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके पास ऑल 4 वेराइटीज ऑफ गुड्स हैं, इंपोर्टेड भी हैं, मैन्युफैक्चर्ड भी हैं, इंटरस्टेट परचेज भी हैं, लोकल परचेज भी हैं, और सेल भी हर तरह की हो रही है उनके पास. इतनी टेंशन नहीं पालते लोग, वैट में सिंपल सिस्टम है. ये चीज अप्रिशिएबल है कि दैट वैट इज सिंपल. सिंपल इज जो भी आपका आउटपुट टैक्स है टोटल, वो टोटल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस. अगर कोई आइटम बची भी हुई है जो अभी तक सेल नहीं हुई, डजंट मैटर. ठीक है, ये चीज ना नोट कर दो. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, सिंपली एक सेंटेंस लिखवाऊंगा लेकिन उससे आपको बहुत क्लैरिटी आगे तक रहेगी. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड वेदर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड वेदर आइटम्स परचेज्ड, अब लिखते क्यों नहीं हो राहुल, लिखते क्यों नहीं? अरे तो रजिस्टर में लिख ले, कौन से पेज पे नोट करना है वो कर ले. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, ठीक है, whether items purchased are sold or still lying in stock, whether items purchased are sold or still lying in stock. ठीक, no doubt, easy है ना. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने आपको समझाया, सपोज आपने 1000 आइटम खरीदी, ठीक है, और उसके बाद 900 आइटम बेची जैसे मैंने कहा, तो आपको 1000 के 1000 का ITC अलाउड होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे 1000 के 1000 आइटम पे मिल जाएगा. ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लिख लो, मेरे को पता नहीं पॉइंट तंग कर सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूं थोड़ा ज्यादा डिटेल में. फॉर एग्जाम्पल 1000 आइटम्स परचेज्ड एट द रेट
500 each plus VAT at the rate 4% plus VAT at the rate 4%. क्या मैंने बोला है? हमने 500 units खरीदी हैं at the rate 1000 units लिए हैं at the rate 500 each plus VAT at the rate 4%. ये मेरी purchases है, ठीक है? So now my input tax is 1000 into 500 into 4%. Now my sale price is, ये तो लिखवा नहीं ना? Sales 800 units at the rate, sales 800 units at the rate 700 each, ठीक है? VAT at the rate 12.5%. मान लेते हैं कोई भी चीज आपने जब खरीदी थी तो वो 4% पे थी, अब आप बेच रहे हो तो उस पर 12.5%. अज्यूम कर लो उसमें बीच में कुछ वेरिएशन कर दिया प्रोडक्ट का, क्या किया क्या नहीं किया. मैं बहुत सिंपल वे में लेके चल रहा हूं, आगे क्वेश्चंस देख लेंगे. सो कितनी यूनिट्स बिकवाई हैं? 800 यूनिट्स सपोज सेल हुई है एट द रेट कितना हो गया? 560,000. एंड इसका जो आउटपुट टैक्स है दैट इज एट द रेट 12.5% कितना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमने जो चीज खरीदी उस पर हमारा इनपुट टैक्स आ रहा है 20,000, जो हमने बेची उस पर आउटपुट टैक्स आ रहा है 70,000. इसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा, हम इस चीज को नहीं देखेंगे. दिस इज आउटपुट टैक्स, दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड दिस इज वैट पेबल. हम इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखेंगे कि कितनी आइटम स्टॉक में पड़ी हुई है. इससे मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता. जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर ये बात, जितनी आइटम हमने ली उस पर जितना भी इनपुट टैक्स मिला वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगी. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इट फाइन? इजी है बात को समझना. मैंने सिर्फ यही अभी बताया है कि जो भी आइटम हमने खरीदी उस पर जितना भी इनपुट टैक्स लगा वो सारा का सारा माइनस होगा. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कितनी आइटम बिक गई और कितनी स्टॉक में पड़ी. बस यही एक समझाने के लिए किया. चलिए तो आम ऑन पेज 14, लेट्स प्रोसीड. सो मैं पढ़ रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पेज 14 पर, कि सिंपली इट मीन्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड से अ मंथ. जैसे मैंने कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी जो कंप्यूटेशन है वो मंथली या क्वार्टरली केसेस पे होती है यूजली. द आउटपुट टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय इनपुट टैक्स पेड. नॉर्मली इट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर वैट पेड विद इन द स्टेट ऑन परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेंट फॉर रीसेल ऑब्लिक मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स. ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑन एंटायर वैट पेड विद इन द स्टेट ऑन परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेंट फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर. क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है? इजी है. आगे, अ डीलर कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ परचेज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट मेंट फॉर बिजनेस. ऑब्वियसली सपोज मैं एक शॉपकीपर हूं बट मैं एक कोई भी एक चीज अपने लिए भी खरीद के लाऊं. सपोज मैं टीवी बेच रहा हूं बट एक टीवी मैंने अपने लिए भी खरीदा, अब उस वाले बिल थोड़ी मिलेगा. दैट इज माई पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल चीज है वो तो मेरी. किसी भी चीज का मैं डीलर हूं, वो चीज मैं खुद भी तो यूज कर सकता हूं.
So if anything is purchased not for business but for personal, चाहे वो गिफ्ट की फॉर्म में देना हो, चाहे मुझे यूज करना हो, वट एवर, तो उस पर क्रेडिट फिर नहीं मिलता. देन इन ए वे फॉर दैट पोर्शन आई एम कंज्यूमर. तो यहां क्लासिफाई किया गया, नीचे एक छोटा सा ये दिखाया गया डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन किया हुआ कि गुड्स को हम दो कैटेगरीज में ले सकते हैं, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल. जहां तक सवाल है नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड गुड्स का, तो दोबारा भी पढ़ा दूंगा, हाथ के हाथ आपको उसका दर्शन भी करा देता हूं. पेज नंबर 21 पे जाइए. पेज नंबर 21 मिला, एग्जेम्प्टेड गुड्स. तो इसके एग्जाम्पल अभी आज हम पढ़ेंगे, इसमें पहुंचेंगे मे बी इन द सेकेंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर. तो एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या है, ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और इसके एग्जाम्पल्स आप नीचे देख सकते हैं, लाइक बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ब्लड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अर्थन पॉट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रेश प्लांट्स, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क एंड बेटर लीव्स वगैरह 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 वगैरह. तो ये ऐसा भी नहीं है कि यही लिस्ट है. मैंने आपको पहले बताया वैट के अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं है. ये हर चीज क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. हर स्टेट की अपनी अपनी पावर्स है, वो किसी भी चीज को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल सकती है, ठीक है. बट अनलिमिटेड पावर्स भी नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब एज सच द लिस्ट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है. जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, वो तो बिल्कुल आउटसाइड द वैट ज्यूरिसडिक्शन है. बात खत्म. बात आ रही सुन में, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो आपने पूरा पढ़ा है ना. इनकम टैक्स में क्या होता है, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है ओनली, वो चाहे रिटर्न भरे ना भरे, कुछ करे, वो मौज करे. ऐसे यहां पर है, जो इन आइटम्स में डील कर रहा है वो वैट से बाहर है. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं जो वैट के अंदर है. जो वैट के अंदर है वो टैक्सेबल गुड्स की कैटेगरी में आ गया, यानी एनी वन हु इज डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ गुड्स अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स. ठीक है, जो भी हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी थी, कोई भी अगर उसमें डील कर रहा है अदर देन दैट, तो फिर क्या होगा, उसमें दो तरह के हो गए, एक जिसमें वैट क्रेडिट अलाउड है और एक जिसमें नहीं अलाउड है. ठीक है, जिसमें अलाउड है उसमें रेट हो गए 0%, 1%, 4%, 12.5%. करेक्ट, ये मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, आज भी बता रहा हूं, आगे फिर से पढ़ाऊंगा ताकि अच्छे से याद हो जाए. 0% में कौन सी सेल्स आती हैं, एक्सपोर्ट सेल्स आती हैं या सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह. नेक्स्ट, 1% में गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बेसिकली, 4% में एसेंशियल गुड्स. अभी इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, इसके भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि 4% में कौन कौन से आते हैं. राइट, देन 12.5% सभी के लिए. 12.5% का ज्यादातर शेड्यूल नहीं होगा किसी भी एक्ट में, सब जगह क्या है 1% 4% का शेड्यूल दे दिया, बाकी जो किसी भी चीज के बारे में नहीं लिखा वो बाय डिफॉल्ट 12.5. ठीक है, नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसलिए भी नहीं क्योंकि हम कोई भी स्पेसिफिक वैट एक्ट तो पढ़ नहीं रहे. हाँ, एग्जाम्पल जरूर याद रखने पड़ेंगे, ज्यादातर आपके एग्जाम के अंदर भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे. तो उसमें वो क्या करते हैं कि इस तरह की चीजें पूछने के लिए ना, भाई 6 एग्जाम्पल दो जिसपे क्रेडिट नहीं मिलता, 2 एग्जाम्पल दो जिसपे मिलता ना. एटलीस्ट ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्यू एग्जाम्पल्स. सिलेबस में हमारे कोई एक्ट तो है नहीं ना, तो इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपसे, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट तो है ही ना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आए. तो यू आर सपोज टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है ना, नेक्स्ट, स्पेशल वैट रेट. ये स्पेशल वाली आइटम्स जो हैं नीचे दी हुई है आपको, पढ़ दूं, ऑल ऑटोमोबाइल्स इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स एंड 2 and 3 व्हीलर्स स्पेयर पार्ट्स, इन सब पे स्पेशल रेट है जो कि एज हाई एज 20% और इवन मोर देन दैट हो सकता है. देन फ्यूल्स इन ऑन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, कोल, फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एयर कंडीशनर्स, फैंस, एयर कूलर्स एंड गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ गिफ्ट्स. तो इन पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है. तो इसमें जो खराब बात है वो क्या है, किस पे ITC अलाउड नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है. जो आइटम नीचे पढ़ रहा हूं, दीज आर नॉन वेटेबल गुड्स, इनकम टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड. लॉजिक दिया है इसके पैराग्राफ में, ध्यान से पढ़ेंगे. नो वेट क्रेडिट इज अलाउड इन केस ऑफ सम कमोडिटीज बिकॉज दीज गुड्स आर आइदर नॉट मेंट फॉर रीसेल. बर्गर अगर आप बेच रहे हो तो अब ये थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे वो बर्गर खरीद के आगे बेच देगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा, क्रेडिट मिलेगा. एक बात कर रहा हूं, ऐसे अगर आप कार खरीद रहे हो या बाइक खरीद रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू,
जब कार खरीद के उसको आगे बेचोगे आईटीसी क्रेडिट इनपुट आउटपुट ऐसा नहीं होता। पेट्रोल खरीद के लाओगे देखिए आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो मारुति का शोरूम मारुति का ही लिखा हुआ होता ना, मोर स्टाइल में तो अभी तक है नहीं मेरे ख्याल से कि भी आप एक शोरूम में जाओ, आने वाले समय में हो सकता हो तो इसके अंदर प्रोविजन चेंज आए, वैसे भी हम तो एक जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर वही बात है वेरिएशन इज एवरीवेयर पॉसिबल, बट अभी भी ज्यादातर आप देखोगे तो टाटा का शोरूम में तो टाटा की गाड़ी मिलती है, मारुति का शोरूम में तो मारुति की गाड़ी मिलती है, टोयोटा का शोरूम में तो टोयोटा की गाड़ी मिलती है, तो उसके अंदर फिर वही बात आ गई ना, एक दूसरे को सेल परचेज तो नहीं हो रही ना, वो तो कंपनी से उन्होंने लिया और बेच रहे हैं डायरेक्ट ही हो गए ना। ऐसा नहीं है कि भाई चल आपने एक दुकान खोली हुई है और आप खरीद लाए 15 तरह की गाड़ी अभी भी वो कल्चर तो नहीं है ना, और आप एज ए कस्टमर वहां जा रहे हो तो जी 15 तरह की गाड़ियां खड़ी हुई है जी कोई सी भी ले लो, अभी तक वो कल्चर ज्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है ये फॉरेन कंट्रीज में मॉल्स में हर तरह की गाड़ी भी मिल जाती है, वहां तो फिर बहुत एडवांस्ड हो गया ना हर चीज सिस्टम एवरीथिंग। अभी इंडिया कर रही है प्रोग्रेस, हो सकता है कल को यहां पर भी इस तरह के मॉल्स आ जाए कि एक ही में आप जाओ और उसमें 15 तरह की गाड़ियां नीचे से ऊपर तक खड़ी हुई है। आ गया है पता नहीं एफडीआई क्या, अरे वो तो इन्वेस्टमेंट अलग है, हो सकता है मैंने नहीं देखा। अरे वो पुरानी होंगी ओके ओके ठीक है, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर, ओके ओके इट्स ओके, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर, बट अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ना जो सिस्टम्स चल रहे हैं, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ना लॉ तो हम पढ़ नहीं रहे ना, और अगर आप ये देखिए कि जो एक्ट में अमेंडमेंट्स आती हैं वो कई बार इसलिए भी तो आती है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आती हैं इसलिए भी आती है कि जब रियल लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं तो उन चेंजेस को फिर एक्ट में अगले साल इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है कि इन आइटम्स को भी वैट क्रेडिट अलाउ कर दें या ये लिख दें कि वैट क्रेडिट अलाउड व्हेन बीइंग डेल्ट बाय। अच्छा फिर एक चीज और भी है ना, अभी भी ज्यादातर तो कस्टमर डायरेक्ट ही खरीद रहे हैं ना, और कस्टमर को तुम पहले ही बोल रहे ना इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, उसको डायरेक्ट कस्टमर ही खरीद रहे हैं ना, फिर वो एक डीलर से दूसरा डीलर खरीदने लगे। मेरे को क्या लगता है कि कल को अगर मान लेते हैं ऐसा शोरूम मैंने बना लिया सपोज, ठीक है अभी जैसा होता है कार्स का शोरूम्स आपने देखे हुए कितने साइज के होते हैं, सपोज मैंने उसे 10 times बिगर शोरूम लिया और हर तरह की कार खरीद रहा हूं, तब भी देर इज हाई प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट कंपनी से ले रहा हूंगा। मेनली आईटीसी का फंडा तो तब ज्यादा आएगा ना जब एक डीलर से दूसरा डीलर खरीद रहा है, टैक्स इनवॉइसेस आपस में बिक रही हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, तो कल्चर है उसके आने की तो उस केस में तब भी प्रोबेबिलिटी लो है। पेट्रोल में तो अभी भी नहीं है ना, अब ऐसा तो नहीं करते ना कि चल भाई पेट्रोल मिलता है हमारे यहाँ, ये जी इंडियन ऑयल का पेट्रोल है, ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। जो भी कंपनी है उसके डायरेक्ट शोरूम मतलब जो भी है पेट्रोल पंप से, और वहां से आपको पेट्रोल डीजल मिल जाता है, तो अभी तक तो सीधा सीधा है ना, यही मैं आपको बता रहा हूं। जो लॉजिक दिया इन्होंने इनको फिर नॉन वेटेबल कर दिया, एक बार मिल जाएगा जो वैट लगना, एक बार लग गया बात खत्म हो गई, एक जनरल कंसेप्ट है। सो नो वैट क्रेडिट इज अलाउड इन केस ऑफ कमोडिटीज बिकॉज दीज गुड्स आर आइदर नॉट मेंट फॉर रीसेल और द गुड्स आर अलाउड टू बी सोल्ड ओनली वंस एंड सच गुड्स आर कॉल्ड नॉन क्रेडिटेबल और नॉन वेटेबल गुड्स एंड द लिस्ट मे डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एग्जाम्पल्स मैंने पहले पढ़ लिया, इज इट फाइन नाउ? तो मैं वापस आपको ऊपर वाले चार्ट पे लेके जा रहा हूं, मैंने आपको पूरा समझा दिया है अपनी तरफ से, फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड्स दो तरह के हो गए, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी तो मैं आपको दिखाया लाया हूं, वो तो बिल्कुल आउटसाइड द वैट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन उसमें एग्जाम्पल कौन से हो गए, जो आपकी बुक्स हो गई जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ब्लड हो गया है ना, उसमें अभी हम पढ़ ही रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस तरह के जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, और यहां पर जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल हो गया फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये तो हो गए स्पेशल रेट वाला और एग्जेम्प्टेड। कंपोजिशन रेट मैंने आपको बोला था कि कोई भी ले सकता है, कंपोजिशन रेट किसका होता है जो 1% या 0.25 से 1% तक है, बट ये लगता है उन डीलर्स पे जो मीडियम कैटेगरी के हैं। स्मॉल कैटेगरी मान लो 10 लाख तक के टर्नओवर वाले, 10 से 50 में मीडियम, 50 से ऊपर तो फिर प्रॉपर डीलर बन जाता है। तो जो मीडियम कैटेगरी के डीलर्स हैं ऑप्शनल स्कीम है, अगर वो चाहें तो कंपोजिशन में जा सकते हैं, फिर किसी भी आइटम पे उनको 0.25 से 1% टैक्स लगता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास चार तरह के रेट्स हैं, 0%, 1%, 4% एंड 12.5%। इजी? नो डाउट। आई एम ऑन पेज 15। Now we'll be talking about the eligible purchase for input tax credit. पहला कि कब कब मिलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में तो सभी कुछ आता है
क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 25 नंबर में आना है, कोई दो नंबर में पूछते हैं, कोई एक नंबर में पूछते हैं, कोई तीन नंबर में पूछते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा चैप्टर ही पूछ रखा है. ऑब्वियसली व्हेन अ स्मॉल चैप्टर इज बीइंग आस्क्ड फॉर 25 मार्क्स लास्ट क्लास में, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ही आया है, तो ऑलमोस्ट सारा ही कुछ आ रखा होता पेपर में. तो एलिजिबल परचेज फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां कहां अलाउड है? पहला, इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स फॉर रीसेल, सेल ऑब्लिक रीसेल विद इन द स्टेट, ऑब्वियसली. दूसरा, फॉर सेल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. ये लाइन आपको तंग तो नहीं कर रही? पक्का? याद रखना इसका उल्टा उल्टा होता है. मतलब मैं पहले भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी, कि अगर हमने एक आइटम लोकल खरीदी और इंटरस्टेट बेची तो वेट क्रेडिट मिल जाता है. लोकल खरीदी और इंटरस्टेट बेची तो वेट क्रेडिट मिलता है. ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये बात लिखवाऊंगा कि जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो पहले लोकल वैट से माइनस होता है, और अगर बच जाए फिर भी क्रेडिट तो सीएसटी से माइनस होता है. दैट इज द सीक्वेंस. ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो लोकल वैट पेड है वो पहले माइनस किससे होता है? लोकल वैट पेएबल से, यानी आउटपुट टैक्स में से पहले जो लोकल इनपुट टैक्स है वैट का वो माइनस होता है, फिर सीएसटी में से उसकी एडजस्टमेंट अलाउड होती है अगर वो बच जाए तो. क्लियर? तो पहला दूसरा पॉइंट क्लियर. तीसरा, फॉर बीइंग यूज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, जैसे कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बनानी है कुछ है, तो उसमें अगर कोई आइटम लगी है तो उसका भी इनपुट क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा. देन टू बी यूज एज कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, नेचुरली अगर कोई कैपिटल गुड्स खरीदें तो उस पर भी अलाउड है. बाकी इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कैपिटल गुड्स के अंदर जो है ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, एक व्हाइट पेपर बताया था लास्ट क्लास में, क्या था वो व्हाइट पेपर? वॉज बेसिकली द डिसीजंस मेंशन या लाइक कोडिफाइड बाय एन एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हर स्टेट के पास अपनी पावर है, जो मर्जी करो. अगर कोई पावर आप यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल गुड्स पे, यानी कोई मशीन खरीदी है उस पे जो आपने वैट पे किया, दैट विल बी अलाउड इन 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ये इतनी बार आएगा बाद में कि आपको याद हो जाएगा, बट फिर भी अभी से याद करवाना शुरू कर रहा हूं, बोलना नहीं है. ठीक है, लेकिन बुक्स में ये भी लिखा है कि एग्जाम्पल महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के अंदर वन टाइम में ही अलाउड है, जिस महीने खरीदा उसी महीने पूरा वैट अलाउड है. अब नाउ इट इज अप टू महाराष्ट्र. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर दिया होगा 36 इंस्टॉलमेंट, 24 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट, जो भी जैसा दिया होगा, बट ज्यादातर मोस्ट कॉमन क्या होता है? 36 इंस्टॉलमेंट. क्यों क्यों 36 कॉमन है? क्योंकि व्हाइट पेपर में ऐसा लिखा था कि अगर कुछ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स को तो ठीक है आप 36 इंस्टॉलमेंट्स में उसको लागू कर दो. इज इट फाइन? फिफ्थ, टू बी यूज एज रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स कंज्यूमेबल स्टोर्स पैकिंग मटेरियल्स एंड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द यूज ऑफ अवर आइटम्स आर सोल्ड इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, जब एक्सपोर्ट्स होता है तब आउटपुट टैक्स होता है? नहीं होता है. तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? दो इसके ऑप्शंस होती हैं. एक तो ये कि आप लोकल सेल्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, बात खत्म. भाई मैं एक्सपोर्टर हूं तो हो सकता है उसी चीज को लोकल सेल भी कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं उस पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो लोकल सेल्स हैं उन पर तो लगा. तो लोकल सेल्स पे जो आउटपुट टैक्स आ रहा है उस पर से इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा. दूसरा, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही करता हूं, ठीक है, या एक्सपोर्ट्स ही ज्यादातर करता हूं, तो फिर आउटपुट टैक्स कम होगा तो इनपुट टैक्स रिफंड हो जाएगा. ठीक, तीसरा और भी एक फंडा बनाया उन्होंने, आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह में यूनिट्स हैं, आगे जाके आ ही रहा है तो नीचे आ रहा है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह में यूनिट्स हैं उनके अंदर तो उन्होंने ये रूल भी बना दिया कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बंदे को माल बेच रहा है वो उसको बिना टैक्स लिए बेच दे. बस समझ रहे, यानी अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो देन यू हैव दिस फ्रीडम to purchase the goods from outside the special economic zones without paying taxes. So in that situation input tax ही नहीं लगा आपके, जब input tax ही नहीं लगा तो output मतलब आपको credit किस लिए चाहिए? ठीक, यानी exporters के लिए तीनों चीजें कर दी उन्होंने, जहां जहां possible है input tax ही नहीं लग रहा, अगर लग भी गया तो output से minus कर लो, वो भी नहीं है तो हम refund करते हैं. The intention of the government is very clear, as you are earning the foreign exchange for the country
वी डोंट वॉन्ट टू चार्ज वैट फ्रॉम यू. द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर. ठीक. सो सिक्स पॉइंट फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सेल्स लाइक सेल टू एक्सपोर्टर, सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू बी यूज एज कंटेनर्स और पैकिंग मटीरियल, रॉ मटीरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इन द पैकिंग ऑफ सच मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंटेंडेड फॉर लोकल इंटेंस. यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ, ये सातवां पॉइंट ना, ऐसा लग रहा है क्या आप भर दिया. इसको सिंपल लिख दो, आईटीसी आल्सो अलाउड टू मैन्युफैक्चरर. सिंपल लैंग्वेज, आईटीसी आल्सो अलाउड टू मैन्युफैक्चरर. इनपुट टैक्स क्रेडिट आल्सो अलाउड टू मैन्युफैक्चरर. ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि आपने कोई भी चीज खरीदी है टू बी यूज एज कंटेनर. मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कंटेनर्स नहीं खरीदोगे, और पैकिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर, इसमें फॉर वर्ड लिख लो, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इन द पैकिंग ऑफ सच मैन्युफैक्चर. ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है. तो सात पर्पज अगर आपसे पूछे जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है वो तो आपको पता ही है, मैंने फिर भी नीचे लिख दिया, जहां पर आप बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स बनाते हो. तो सात पर्पस जिनके लिए आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, सात पूछे जाए, पांच पूछे जाए, लिख लोगे जहां पर आईटीसी अलाउड है. पहला सिंपल सेल, लोकल सेल. ठीक है, दूसरा इंटरस्टेट सेल, तीसरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कैपिटल गुड्स, पांचवा एक्सपोर्ट्स, छठा सेल टू एक्सपोर्टर्स. पांचवा और छठे में क्या फर्क है, छठे में बताओ ना. सेवन तो अलग ही है, सेवन में तो सिंपल मैन्युफैक्चरर. हाँ, छठे में बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ. पांचवे में वो खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है, छठे में वो एक्सपोर्टर को बेच रहा है. डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट. ऐसी मैं अपने मन से कोई टर्मिनोलॉजी कॉइन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज बुक्स में नहीं होती आपको पता है, मैं टर्मिनोलॉजी कॉइन नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए बोल देता हूं, समझने के लिए समझ लो. पांचवे में वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है, छठे में वो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, एक्सपोर्टर फिर आगे बेच रहा है. ये दोनों में एग्जेम्प्शन, आईटीसी दोनों में. ठीक हो गया. तो अगर हम इसको ब्रीफ में लिखें, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार लिखोगे पीछे, आईटीसी अलाउड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, इनकम टैक्स क्रेडिट अलाउड इन फॉलोइंग सिचुएशंस. पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड इन फॉलोइंग सिचुएशंस. पहला ट्रेडर, दूसरा आईएसएस इंटरस्टेट सेल. ट्रेडर और ब्रैकेट में लिख दो लोकल सेल, ट्रेडर में भी लोकल सेल. पहला ट्रेडर, लोकल सेल, दूसरा इंटरस्टेट सेल, तीसरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चौथा कैपिटल गुड्स, छठा एक्सपोर्ट्स, पांचवा एक्सपोर्ट्स, छठा सेल टू एक्सपोर्टर्स ऑब्लिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, सेल टू एक्सपोर्टर्स ऑब्लिक SEZ, और सातवां मैन्युफैक्चरर. इन सब केसेस में आईटीसी अलाउड है. आई थिंक इट इज इजी टू रिमेंबर एंड यू कैन यूज इट इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो. कई बार होता है कि आपको दिया जाएगा बकायदा, एक क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में, बहुत सारी सेल्स लिखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बोलेगा इसमें से बताओ किस किस पे आईटीसी अलाउड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस पे मिलता है. यू शुड बी क्लियर कि इन पे मिलता है, इन पे नहीं मिलता. अभी पढ़ा दिया मिलता है, अब नीचे पढ़ाऊंगा नहीं मिलता. दिख रहा है इसी असाइनमेंट पेज नंबर 15 पे, नेगेटिव पर्पसेस. नेगेटिव पर्पस मतलब कब कब इनकम टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अलाउड नहीं है. ठीक है, खैर ऊपर अलाउड है, नीचे अलाउड नहीं है. बीच में कह रहा है मिक्स, आपकी सेल्स दोनों तरह की हों. सपोज एक आपने आइटम परचेज की, उससे कुछ बनाया, बना के कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स बना दिए और कुछ टैक्सेबल गुड्स बना दिए, फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनेट. सो सिंपल.
माना क्वेश्चन कहेगा जी आपने 10,000 आइटम खरीदी, इतने इतना इनपुट टैक्स लग गया, उसमें से 6,000 जो है आपने टैक्सेबल बना दी, 4,000 एग्जम्प्टेड बना दी, तो ठीक है 60% इनपुट क्रेडिट ले ली, ठीक है ना। कई बार हमने एक लॉ पढ़ा होता है तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, लॉजिकल होती है, अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाता तो भी शायद आप क्वेश्चन में यही करते, बट नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि यही लॉ है कि अगर आपने दोनों चीजें बना दी, एग्जम्प्टेड भी बना दी और टैक्सेबल भी बना दी, तो उसको प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे, बस इतना ही खेल है प्रोपोर्शन, ठीक। अब पढ़ेंगे 13 आइटम है जहां आईटीसी अलाउड नहीं है, नेगेटिव। पहला, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड डीलर से क्या तकलीफ है, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता है वो, चार्ज तो कर लेगा वो टैक्स इनवॉइस लीगली वो इश्यू नहीं कर सकता, और बिना टैक्स इनवॉइस के वैट का सिस्टम आगे नहीं बढ़ता। जी एवरी पर्सन इन द वैट चेन, मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक, ये तो पंगा है इसमें, मतलब कुछ पॉजिटिव ही है वैट के और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से नेगेटिविटीज भी हैं। अगर आप एक छोटे से शॉपकीपर हो तो भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बिल संभालने पड़ेंगे, हाँ मतलब मैं दुकान में माल बेचूं कि बिल संभालूं। मैंने आपको बताया था मेरे एक फ्रेंड है, वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के काम में है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इस तरह की चीजों से रिलेटेड है, तो वो ये बोलते हैं कि कभी कभी तो दिन का 70% टाइम अकाउंटिंग में निकल जाता है, जबकि उनके पास अकाउंटेंट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सब भी है, 70% टाइम वो बोलते हैं कि अगर दिन का तो अकाउंटिंग में ही निकल जाता है, मतलब हर चीज को संभालना पड़ता है, अपनी भी जिम्मेदारी है आफ्टर ऑल, अगर माना सीए से गलती होती है या अकाउंटेंट से गलती होती है फंसना तो उसी को पड़ेगा, इतना इतना टाइम लगता है। तो ये डीमेरिट्स भी है सिस्टम के, बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, एक एक बिल संभालो, ये करो वो करो, रिटर्न भरो, चलान भरो, पैन नंबर, टिन नंबर, टैन नंबर, पता नहीं कितने तरह के। हाँ आप तो रजिस्टर्ड हो ना, तो फिर चेन स्टार्ट हुई ना वहां से, तो फिर फर्स्ट टाइम सेल हुई ना, तो आपने परचेज जो की वो अवाम में ही मानी जाएगी, फिर वो एक तरह से उसकी कोई वैल्यू नहीं, अब आप जो बेच रहे हो वहां से स्टार्ट होगी वैट चेन। दूसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स, ये बहुत बार बात हो चुकी है, आईएसएस इंटरस्टेट सेल पर मैंने ऊपर पढ़ाया कि क्रेडिट अलाउड है, आईएसपी इंटरस्टेट परचेज पर अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीज, इसी में दूसरा वर्ड कंट्रीज मैंने बताया था, शायद इसको हाई सीज परचेजेस बोलते हैं, अभी तक इसके बारे में आगे चल के पढ़ाऊंगा, भी इंपोर्ट पर वैट कवर्ड नहीं है, यानी इंपोर्टर्स वैट में कवर्ड नहीं होते, नहीं होते, एक्सपोर्टर्स होते हैं, होते हैं, पढ़ तो लिया, एक्सपोर्ट सेल्स को क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सेल्स, लेकिन वो कवर्ड हैं, दे आर पार्ट ऑफ वैट सिस्टम, इंपोर्टर्स अभी तक कवर्ड नहीं है, तो इसके बारे में भी बुक्स में ये लिखा है कि दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन एट द एम्पावर्ड कमिटी लेवल, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया कि इंपोर्टर्स को कैसे पकड़े इसमें वैट में, अरिभाषण में, तो अभी तक दे आर स्टिल आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन, तो इससे फायदा है नुकसान है, नुकसान ही हो रहा है क्योंकि जो टैक्स लगने वो तो लगी रहे हैं, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है। कौन वो लगी नहीं रहा ना, कल को फिर लगना भी शुरू होएगा तो फिर उसका क्रेडिट भी मिलेगा, लेकिन उससे क्या फायदा हो सकता है, कल को अगर लग जाए तो कस्टम ड्यूटी जो लग रही है ना उसका भी क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए, देयर इज अ चांसेस फॉर दैट, अभी क्योंकि उनको भारी रखा हुआ है तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी लग गई वो भी, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैं बता रहा था टैक्स ऑन टैक्स वो लगेगा, माना आप इंपोर्टर हो जैसे इन्होंने कहा अनरजिस्टर्ड हो, उसके बाद आपने बेचा तो फर्स्ट सेल होगी ना, फिर तो टैक्स लग रहा है, तो वो जो कस्टम ड्यूटी है क्योंकि आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट मानोगे मानोगे, माना आपने कोई चीज 100 रुपए में इंपोर्ट की, 20 रुपए ड्यूटी लगी, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज दैट इज 120 रुपीज आइटम फॉर यू, तो ऑब्वियसली आप वो 20 रुपए को लेकर चलोगे तो उससे चीज महंगी होती है, इंपोर्टेड क्यों होती है, इसलिए तो होती है, अगर उसका क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए वैट, बहुत फर्क पड़ सकता है, इज इट फाइन, लेकिन उससे फिर हमारा लोकल कंपटीशन गड़बड़ाएगा, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, नो दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट मैटर, मैं जाने को और डीप में जा सकता हूं इसके और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं, दिमाग ज्यादा घूमेगा, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इंपोर्ट अगर है तो वैट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो आइटम में ऐड हो जाएगी, बात खत्म, कॉस्टिंग में वो ऐड हो जाएगी, अभी कोई क्रेडिट श्रेडिट उसका नहीं है, इवन जो सैनवैट आया अभी तक उसमें भी कहां उसका ड्यूटी, तो सैनवेट भी नहीं डील कर रहा, सैनवेट इज ऑल्सो ओनली डीलिंग विद एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, इट इज स्टिल नॉट डीलिंग विद इंपोर्ट ड्यूटी, अभी तो ये भारी रखा हुआ है। सेकेंडली थर्डली सॉरी गुड्स परचेज फ्रॉम अदर स्टेट एंड सोल्ड टू सम अदर स्टेट, ये क्या हुआ, मैं नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं
है तो इंटर ही, लेकिन ये कुछ और पॉइंट है। ये कहे मैं दिल्ली का डीलर हूं और मैंने जयपुर से अहमदाबाद माल बेच दिया, तो ये तो बिल्कुल ही बाहर की चीज होगी, इस पर आईटीसी कैसे मिल सकता है। माना मैंने जयपुर से माल अहमदाबाद बेचा तो राजस्थान में पे किया, तो वो तो राजस्थान में होगी उसकी जो भी एडजस्टमेंट होगी, यहां तो कुछ मतलब ही नहीं मेरे से लेना ना देना, मैं तो दिल्ली का डीलर हूं सपोज। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, वहां पर भी हूं सर। पहले समझो बात को, हर जगह जहां मैं डील करूंगा, इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं कंपनी लॉ में नहीं चल रहा कि इंडियन कंपनी अगर एक बार कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होगी तो काम चल गया। प्लीज फिर से समझो, पूरा हिंदुस्तान एक नहीं है, वैट की दृष्टि में हर स्टेट अलग कंट्री है, तो आप यहां भी रजिस्टर्ड हो वहां भी रजिस्टर्ड हो तो क्या हो गया, यू हैव नहीं गोडाउन से आप सेल तो कर रहे हो ना, माल तो जा रहा है ना, बिलिंग तो हो रही होगी वहां पे भी, बिल्टी तो कटती है अगर साधारण भाषा में समझना है तो, छोड़ेंगे नहीं आपको, वो भी वहां पे भी सब रजिस्ट्रेशन सब कुछ चाहिए, वो तो है ही। ऐसे अगर करने लगेंगे तो फिर सारे बेगू बना देंगे, बॉर्डर के पास जाके दुकान खोल लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से माल भेजना शुरू कर देंगे, मतलब कुछ भी नई कलाकारी कर देंगे। इसलिए उन्होंने वो वैट इतना भी कच्चा नहीं बनाया, आप कुछ भी करो कहीं से भी करो वो कवर्ड तो आप हो ही हो, या तो फिर पूरी तरह से बेईमानी पे उतरो, पूरी तरह से कैश डील हो। मैंने क्या बोला था, वैट के सिस्टम में टैक्स इवेजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक सारे के सारे बेईमानों और एक ही चेन में कनेक्टेड हो और वो बिल्कुल कैश डील्स करने में बिलीव कर रहे हो, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है ये, लेकिन बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि जो लॉ है और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है धीरे धीरे धीरे, तो अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर। परचेज ऑफ गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक क्लियर है, एग्जेम्प्टेड गुड्स पर जब आप हो ही नहीं, वैट चेन में नहीं हो तो आपको क्रेडिट कहां से मिलेगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स वेयर इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल, बिल गुमने से कोई टेंशन नहीं है, वो तो आप डुप्लीकेट बिल निकलवा लोगे, मतलब बिल दिया ही नहीं उसने शॉपकीपर ने, या फिर इनवॉइस प्रॉपर नहीं है, उसमें वैट सेपरेटली शोन नहीं है। सिक्स पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन केस वेयर डीलर डज नॉट हैव इनवॉइसेस शोइंग अमाउंट्स ऑफ टैक्स चार्ज सेपरेटली बाय द सेलिंग डीलर, एक तरह से पांचवा छठा पॉइंट मोर और लेस एक ही है, इनवॉइस नहीं है या इनवॉइस के ऊपर टैक्स प्रॉपरली शोन नहीं है, मीन्स देर इज नो टैक्स इनवॉइस, देर इज नो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, है ना। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट, देन परचेज ऑफ नॉन क्रेडिटेबल गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कुछ चीजें हैं जिन पे आईटीसी मिलता ही नहीं, लाइक फ्यूल ऑटोमोबाइल्स, अभी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले। देन एट्थ, कंपोजिशन स्कीम में जो चल रहा है। नाइन, पर्सनल यूज कंजम्पशन के आइटम्स, ठीक है। टेंथ, वो आइटम्स जिनको आपने गिफ्ट देना सैंपल की फॉर्म में देना। इलेवन, जो चीजें आपकी खराब हो गई, फायर स्टोलन लॉस्ट, उस पर आईटीसी नहीं मिलता। ट्वेल्थ, कंसाइनमेंट स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है, बट ये है गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट सेल, बाहर से जब आएगा तो ये तो वैसे भी आपने खरीदा ही है सिंपल, इसमें कोई टैक्स वैक्स लगा भी नहीं होगा। एंड 13, गुड्स परचेज एंड रिटर्न बैक, ठीक है, अगर आपने माल खरीदा था लेकिन फिर वो वापिस ही कर दिया तो फिर इसलिए उसका क्रेडिट कहां से मिलेगा आपको। नो क्रेडिट ऑन सर्टेन परचेजेस ए और बी, इनको काट दो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, गलती से इसमें पोर्शन रह गया लिखा हुआ, पूरे को काट दो पोर्शन, ठीक है। सो लेट्स हैव ए री लुक, मैंने कटवाया है नो क्रेडिट ऑन सर्टेन परचेजेस, ये वाली पूरी लाइन काट दो, जनरली इन फॉलोइंग केसेस क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल, ये सब काट दो, ये मैंने पढ़ा दिया ना आपको पहले, गलती से असाइनमेंट में पहले टाइप किया था फिर वो रह गया। हाँ, तो फिर से लिखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में, लिखो हेडिंग बना लो फिर से, आईटीसी नॉट अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, कब कब नहीं मिलता, पहला अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदोगे तब नहीं मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट अनरजिस्टर्ड डीलर, दूसरा आईएसपी इंटरस्टेट परचेज, तीसरा इंपोर्ट, चौथा एग्जेम्प्टेड गुड्स। एक आधा आइटम ऊपर नीचे कर रहा हूं जो मैंने लिखा हुआ असाइनमेंट में, तो आप पढ़ लोगे, मैं सिंपल ये लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पांचवा एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है ना। द नेक्स्ट, नो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, नो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। देन नॉन वेटेबल गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट नॉन वेटेबल गुड्स, देन कंपोजिशन डीलर,
देन पर्सनल यूज ऑब्लिक गिफ्ट्स ऑब्लिक सैंपल्स एटसेट्रा दीज आर द मेन पॉइंट्स. ठीक है. सो इन आइटम्स पर आईटीसी नहीं मिलता. कंसाइनमेंट होगी ना जो यहां से वहां चला गया फिर वो बेचेगा अपना. मैंने भेज दिया आपको भी फिर बाद में. हाँ इन ए वे स्टॉक ट्रांसफर में और उसमें बस ये फर्क हो जाता है कि स्टॉक ट्रांसफर तो हमारी अपनी ही ब्रांच है और एक हमने किसी एजेंट को भेज दिया वो माल बेचेगा. भेजा फिर वो बेचेगा. हाँ एजेंट तो आप ही कहा था भी तो बेचेगा लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोल सेलिंग एजेंट हो. ही कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद अदर गुड्स ऑल्सो बट अल्टीमेटली इट इज नॉट ए सेल यट. अभी तो आपने भेजा है उसको माल. ज्यादातर क्या होता है फिर वो क्रेडिट पे बेचे क्रेडिट पे भेज दिया फिर जब माल बिक जाएगा वो आपको पैसा दे देगा कमीशन काट कर. आई थिंक ये तो आप अकाउंटिंग में मेरे से पहले पढ़े हुए हो. मेरे को तो आपसे सीखना चाहिए इसमें. मुझे तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं है. ठीक है छोड़ दूं आगे बढ़ जाऊं. जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सेल्स में क्या फर्क है. मेनली एक ही फर्क है सर. एग्जेम्प्टेड सेल्स जो है वो वैट कॉन्सेप्ट से ही बाहर है बस. अब आप पढ़ लो उसको. वैट इसमें 0% उसमें नील देखा जाए तो एक ही बात है. दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट हेयर इट इज अलाउड हेयर इट इज नॉट अलाउड. रिफंड हेयर इट इज अवेलेबल. इधर रिफंड का कोई पॉइंट ही नहीं है. ही इज अ डीलर इन वैट सेल एंड ही इज नॉट अ डीलर ऑफ वैट सेल. तो मेन पॉइंट इज द फोर्थ वन. एक्चुअली बाकी सारी चीजें उसी से निकल के आ रही हैं कि जो एग्जेम्प्टेड सेल्स वाला जीरो रेटेड वाला बंदा है ही इज अ डीलर इन द वैट चेन व्हाइल जो एग्जेम्प्टेड सेल है ही इज नॉट अ डीलर एट ऑल. जब डीलर ही नहीं है रजिस्टर्ड शॉपकीपर ही नहीं है तो फिर क्या उससे बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्रेडिट कब अलाउड होता है. पहला इंस्टेंट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स. इंस्टेंट बोले तो आप लोग कुछ स्टूडेंट्स लेट आए थे मैं बता रहा था शुरू में कि जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आईटीसी अलाउड कब होता है. टैक्स पीरियड में होता है. अगर कोई रिटर्न मंथली भर रहा है तो मंथली अलाउड होगा. जो क्वार्टरली भर रहा है उसको क्वार्टरली अलाउड होगा. जो हाफ ईयरली भर रहा है उसको हाफ ईयरली. ऐसे होता है. इज इट क्लियर प्लीज. नेक्स्ट कैरी ओवर ऑफ टैक्स क्रेडिट. कैरी ओवर जो है कैसे होता है. अगर जो मंथली रिटर्न भर रहा है उसका मंथली कैरी ओवर होगा. जो क्वार्टरली भर रहा है उसका क्वार्टरली होगा. ठीक है. अच्छा जहां तक सवाल है उसके बाद भी अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो रिफंड कब मिलेगा. मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में. एक साल के बाद. बट कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम दो साल के बाद अलाउ करेंगे. चलो जो भी है. मैंने तो नहीं पढ़ा था. नहीं 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 महाराष्ट्र में तो मैं ये पढ़ा रहा था कि कैपिटल गुड्स में क्रेडिट पूरा का पूरा एक बार में अलाउड है. कैपिटल गुड्स पे 36 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है. महाराष्ट्र में वन शॉट में अलाउड है. वो तो मैंने ये पढ़ाया था. तीन साल का रिफंड मैंने लॉ में नहीं पढ़ा इसलिए मैंने आपसे पूछा ये मैंने कब पढ़ा. ज्यादातर रिफंड जो है बुक्स में 90% बुक्स में ये लिखा है कि विद इन वन ईयर अलाउड है. मीन्स उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अगर नहीं हो पाया एडजस्टमेंट तो रिफंड अलाउड है. कुछ बुक्स में ये पॉइंट भी लिखा है कि अगर नहीं होता कुछ स्टेट कहती नहीं दो साल में. ठीक तो आप यही लॉ में लिख सकते हैं. यही मैंने बताया. ठीक है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. ये कहता है ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम बी फॉर 1,12,000 विच इंक्लूड्स वैट एट द रेट 12.5%. ए सेल्स 30% ऑफ गुड्स टू सी इन द सेम स्टेट बाय एडिंग 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट. Balance 70% of goods are sold to D of another state. The profit charge in this case is 25% cost. VAT charge is 12.5% and CST charge is 2%. Compute the input tax credit and its set off allowed to A. सबसे पहली बात ये कि जो हमारी परचेजेज हैं वो हैं 1,12,500 की 12.5% पे और 30% उसने माल बेचा है 20% प्रॉफिट ऐड करके. चलो तो 1,12,500 में 12.5% तो टैक्स ही लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारी 1,12,500 में जो परचेजेज है वो 100/112.50 से निकल जाएगी. 1,00,000 दिस इज माय परचेज. आमतौर पर ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी फिगर ऐसी होती है एकदम सिंपल 40,800 दूर से दिख जाएगा 40,800 सिंपल ही रखते हैं वो लोग. वैसे इसमें भी साफ साफ दिख रहा है 1,12,500 इंक्लूसिव वैट है तो 1,00,000 रुपए की परचेज है 12,500 टैक्स है. साफ ही दिख रहा है. तो इसका मतलब इसमें आईटीसी कितना है. 12,500 का आईटीसी है इनकम टैक्स क्रेडिट और सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी. ठीक है. कोई डाउट नहीं है. पक्का
70% माल नहीं 30% 30% इसकी लोकल सेल है, 70% इसकी आईएसएस है। 30,000 इस पे इसने मार्जिन ऐड किया 20% का, वैट इज इक्वल टू 12.5%। बोलो तो इनवॉइस वैल्यू पूरा लिख देना, ये मेरे सेल में आई भी मत लिखना, इनवॉइस वैल्यू। मुश्किल तो नहीं है? अभी करूंगा उसको उद्धार, अभी तो मैं बिल अमाउंट निकाल रहा हूं। 70% इसने आईएसएस सेल की 70,000, इसमें 25% मार्जिन लिया है, 2% सीएसटी, 1750। कोई मुश्किल? यहां तक क्लियर है? सिंपल। अब दोबारा से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई 1,12,500 के आइटम खरीदी 12.5% पे, तो साफ पता चलता है 1,00,000 रुपए की परचेज है, 12,500 का आईटीसी। उसमें से उसने कहा 30% आइटम 20% प्रॉफिट पे बेच दी, 70% आइटम 25% प्रॉफिट पे, 12.5% टैक्स पे 2%। क्लियर? आगे बढ़ूं इसी क्वेश्चन में? नाउ लोकल वैट 40,500, नहीं वैट तो निकला हुआ है, लोकल वैट कितना है 4,500। इसमें से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अलाउड है 12,500। बैलेंस क्रेडिट कितना बच गया 8,000। कुछ बुक्स ने ऐसा ट्रीट नहीं किया हुआ, बट अच्छी बुक्स ने ऐसे ही किया हुआ। कुछ बुक्स ने क्या किया है, सीएसटी और ये दोनों जोड़ के एक साथ माइनस कर दिया उठा के, ठीक है वो भी, बट बेटर ट्रीटमेंट यही है। कुछ बुक्स बड़ा स्पेसिफिकली लिखती हैं कि जो क्रेडिट है वो पहले लोकल वैट पे अलाउड होगा फिर सीएसटी पे होगा, तो ऐसा हवा में नहीं लिखा होगा, कुछ स्टेट्स जरूर ऐसा ही यूज कर रही होंगी। सो यू फॉलो दिस सिस्टम, आई पर्सनली थिंक दैट दिस सिस्टम इज बेटर। नेक्स्ट, सीएसटी पेएबल इज 1750 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस 8,000 था हमारे पास, तो अभी भी बच गया 6250। दिस इज कैरिड फॉरवर्ड। प्राइस इज इंक्लूसिव वैट 1,12,500 ना, तभी तो मैंने इसको किया है 100/100 इन 12.50। अगर माना मैं इस फिगर में 1,12,500 में ये बोलता कि कितना वैट जुड़ा हुआ वो बताओ, तो अब निकाल ही लेते 12,500, बट उसको लिखते कैसे, मल्टीप्लाइड बाय 12.5। ये रटा तो नहीं रहा ना, मतलब ये सब तो चीजें मेरे ख्याल से बहुत बच्चों वाली हैं, आपको आती होंगी ना, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ गया, ये तो ना समझाऊ ना, ठीक है छोड़ दूं आगे बढ़ू। हां जी प्लीज आगे पढ़ाऊं। नेक्स्ट,
इनपुट क्रेडिट ऑन स्टॉक ट्रांसफर टू अदर स्टेट्स, इसके आगे हाथ से लिख दो, अलाउड ब्रैकेट में लिखना है रेट माइनस 2%, अलाउड रेट माइनस 2%, मतलब अगर 4% रेट था तो 2 मिलेगा और 12.5 था तो 10%, तो 1% वाले आइटम पे तो मिल ही नहीं पाया। ठीक है, इजी है, और हाथियत नीचे नोट में डाल देना। इनपुट क्रेडिट ऑन स्टॉक एक मिनट पहले सुन लो, इनपुट क्रेडिट ऑन स्टॉक ट्रांसफर टू अदर स्टेट में मैंने क्या बताया, अलाउड है लेकिन 2% डाउन है, और अगर विद इन द सेम स्टेट हो तो फिर पूरा अलाउड है। ठीक है, नीचे नोट में लिख देना फुल क्रेडिट अलाउड फॉर स्टॉक ट्रांसफर विद इन द स्टेट, फुल क्रेडिट अलाउड फॉर स्टॉक ट्रांसफर विद इन स्टेट। फुल क्रेडिट अलाउड फॉर स्टॉक ट्रांसफर्स विद इन स्टेट। इजी, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ उसको पढ़ देता हूं, फिर एक क्वेश्चन दिया उसको हम करेंगे। ये कहता है द अबव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द क्रेडिट फिगर बाय 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। माइनस करने का तरीका है बेसिकली, अल्टीमेटली क्या है, 12.5% हमने वैट क्रेडिट देना था, उसके मुझे 2% माइनस कर दो, बात तो ही पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल इफ द गुड्स वर्थ 2,25,000 इज परचेज इंक्लूडिंग लोकल वैट ऑफ 12.5%, देन वैट इज 25,000। समझ में आता है बात, 2,25,000 का माल है, 12.5% वैट है, तो मतलब 2,00,000 प्लस 25,000 हो गया, सिंपल फिगर है। नाउ फर्दर सपोज कि 10% ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर टू अदर स्टेट बाय स्टॉक ट्रांसफर, इसका मतलब 10% हमारा जो माल था, टोटल माल कितने का था, 2,00,000 था, उसमें से 10% बोले तो 20,000 का माल वहां चला गया, तो 20,000 पर अब कितना वैट क्रेडिट अलाउड होगा, 10.5, या ये समझ लीजिए कि 2% अलाउड नहीं होगा। कैसी पकड़ लो उसको, या तो समझ लो कि बजाय 12.5 के 10.5 अलाउड होगा, या समझ लो कि 2% अलाउड नहीं होगा। तो वही चीज मैंने यहां समझा के बताई हुई कि क्रेडिट रिड्यूस कितने से हो जाएगा, 2,00,000 का 10% बोले तो 20,000, 2% डाउन 400 रुपए कम हो जाएगा, इसका मतलब जो क्रेडिट मिलना है बजाय 25,000 के वो कितना मिलेगा, 2,400। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100% से माल 2,00,000 का, 2,00,000 में से जो 90% है 1,80,000 का, उस पर तो मिलेगा 12.5%, बता रही सुन में, और जो बाकी का रहेगा 20,000 उस पर 10.5, तो टोटल वही आ रहा है 2,400, बात होगी। तो इसको इतना घुमा के सॉल्व करने की बजाय सिंपल क्या करना है, जितने का माल स्टॉक ट्रांसफर में भेजा उसकी 2% डाउन, खत्म। इज इट फाइन? A of Delhi purchased goods from B of Delhi amounting to 4,50,000, including 12.5% VAT. करें इसका? क्या वो करो इसका? VAT कितना आएगा इसका? 50,000 आएगा? साफ ही दिख रहा है? 4,00,000 का 12.5% 50,000, लेकिन अपने दिमाग पे ना कैलकुलेटर को जो है सपोर्ट दे देना एग्जाम में, जब पता चला कि अपने दिमाग से चला दिया वो, कई गलती होगी, फास्ट ट्रैक वैट में आधा नंबर भी मत घटा के आना भाई, बहुत दुख होगा मेरे को भी। 4,50,000 है वो फिगर थी, 4,40 या कोई ऐसी, और आप हवा में जैसे 4,25 दे दे, टीचर भी ना निशाने होते ना देखते भाई, कुछ नहीं है इसमें, 4,00,000 रुपए की वैल्यू, 25,000 वैट, हाँ और बस वहीं मरे, अगर आपने शुरू में टैक्स गलत निकाल दिया तो सारा अंदर ही गलत हो जाएगा। यहां तक सही है?
विदाउट नहीं नेक्स्ट 40% लोकल सेल 25% इंटरस्टेट सेल 15% ट्रांसफर टू अदर ब्रांच 20% टू अदर ब्रांच विद इन द सेम स्टेट तो प्रॉब्लम कहाँ है जो 15% माल अदर स्टेट में भेजा सो आईटीसी रिड्यूस्ड बाय टोटल 4 लाख का माल था 15% इसका बाहर भेज दिया इसका 2% डाउन हो जाएगा 1200 रुपए डाउन अब जो अलाउड होगा वो है 48800 पहले इसको देख लो आराम शाम टेंशन तो नहीं दे रही सेल तो ऊपर दी नहीं ये सेकंड पॉइंट है 25% गुड सोल्ड टू अदर स्टेट तो है ही तो भी तो ट्रीट कर दीजिए सब कुछ डाल देना ये कुछ ये समझ में आया 1200 रुपए सबको पक्का हाँ दूसरी तरह से एक बार रीसॉल्व कर दूं फॉर माय सेटिस्फेक्शन वैसे तो आपको समझ में आ चुका है 4 लाख का जो हमारी आइटम थी उसमें से 85% तो सीधा सीधा चल रहा है तो 85% पे तो अलाउड है 12.5% जो बाकी 15% है उसको 2% कम अलाउड है क्रेडिट यानी 10.5% ये कितना है 50%. ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये एग्जाम में नहीं करनी दिस इज जस्ट फॉर लाइक री एक्सप्लेनेशन टू यू फॉर योर मोर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदरवाइज तो सिंपल हम 2% डाउन करके काम चला सकते हैं बट फिर भी इससे आपको और अच्छे समझ में आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वो यही है सिर्फ क्रेडिट जो है वो 12.5 की जगह 10.5% अलाउ की इतना ही है और कुछ ऐसी आफत नहीं आ रही इसमें इज इट फाइन छोड़ दूं इसको यहां तक अब हमें आउटपुट टैक्स निकालना है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमारा क्लियर है तो 40% आइटम 30% प्रॉफिट पे बेची हैं लोकल सेल तो इट इज 4 लाख का 30% एक साठ प्रॉफिट कितना ऐड किया 30% ठीक है दिस इज द टोटल कॉस्ट वैट एट द रेट 12.5% कितना हो गया 25% Invoice value, bill amount 142,800. ठीक है? Is it fine? Now adjustment करेंगे local tax 26,000, input tax credit 48,800, balance. जीएसटी 2800 माइनस क्रेडिट ₹20,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा
इज इट फाइन प्लीज. आगे बढ़े. ट्रीटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स. रिफंड टू एक्सपोर्टर्स विद इन 3 months. एग्जेम्पशन और रिफंड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. आई थिंक ये मैं अच्छे से समझा भी चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं. या तो एक्सपोर्टर्स को जब आप माल बेचते हो तो टैक्स लगता ही नहीं, लग जाए तो वो या तो लोकल से एडजस्ट हो जाता है या रिफंड मिल जाता है, नो प्रॉब्लम. यही सब इसमें लिखा हुआ है. नहीं तो 3 महीने के बाद रिफंड कर देते हैं. एंड ऑल दोस प्रोविजंस, देयर इज नथिंग टेक्निकल विच आई शुड एक्सप्लेन. नाउ आई विल टेक अप अनदर क्वेश्चन. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. EOU इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. क्या हो गया बता दो, मेरे को बता दो. क्या चीज? गवर्नमेंट. पेज नंबर 18. अगेन देयर इज अ क्वेश्चन. A of Delhi purchased goods from B of Delhi for 22,50,000. VAT is 12.5. ना इसका देखना जरा. वही है 20 लाख और 2.5 लाख. ठीक है चलो. 90% इसने लोकली बेचा है, 30% इसने प्रॉफिट चार्ज किया, 3% इंटरस्टेट सेल किया अंबाला, 2% एक्सपोर्ट किया. इस पर क्रेडिट मिलेगा 2% पे? मिलेगा ना, कोई टेंशन तो नहीं ना. डाउन तो नहीं करूं ना आईटीसी? ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूं. आईटीसी डाउन तो नहीं करूं? फिर पूछ रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मुझे मिला, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है मेरा? 2.5 लाख का. इस फिगर को डाउन तो नहीं करूं ना? नहीं करेंगे. दैट इज द करेक्ट आंसर. एक्सपोर्ट्स के केस में अलाउड होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. फिर देन 5% इसने जलंधर ब्रांच को भेजा. ये 5% वाला डाउन करा देगा. ठीक है, ये डाउन करा था ना, जैसे अभी हमने देखा था आईटीसी हमारा डाउन हो गया था, तो वो सिर्फ दूसरी स्टेट में जब स्टॉक ट्रांसफर होती तब होता है. इसका मतलब आईटीसी हमारा दो सिचुएशन में रिड्यूस नहीं होता. एक, जब स्टॉक ट्रांसफर विद इन द स्टेट हो, और दूसरा एक्सपोर्ट सेल्स हो. उस पर नहीं होता. होता एक ही सिचुएशन में है, जब स्टॉक ट्रांसफर अदर स्टेट्स में. जलंधर में तो वहां पर लोकल टैक्स लगता, फिर क्रेडिट भी नहीं मिलता, क्योंकि जलंधर वाला इंटरस्टेट परचेजर बन जाता. कर दें इस क्वेश्चन. वही तो मैं कह रहा हूं सर, जलंधर की लोकल सेल है, पंजाब वैट लगेगा, और दिल्ली वैट जो लगा यहां पर आपको, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये तो शुरू से पढ़ रहे हैं, चेंज कहां है बात. यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है. अच्छा, वैट को पहले रिड्यूस कर लूं 5% से. बीस लाख थी ना सेल्स परचेज, 20 लाख का 5% का 2% कितना? 2000. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज 2,48,000. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज 2,48,000.
अब लोकल सेल्स है 90%, अठारह लाख, प्रॉफिट 30% लिया है ऑन कॉस्ट। ये कभी कभी ना ऑन सेल्स भी दिया होगा, तब भी आप सॉल्व तो कर लोगे ना, ऐसी कोई टेंशन वाइज तो नहीं होगी ना आपको। वैट 29, अबे इतना थोड़ी आ जाएगा, अच्छा 29 है, आई एम सॉरी, टू नाइन टू फाइव डबल जीरो, ठीक है। तो इतना वैट है, क्रेडिट हमारे पास कम है। चलो एनीवेज नेक्स्ट, सीएसटी आईएसएस, दिस इज 3%, 60,000 प्रॉफिट, 20% लिया इसने, 12,000 ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स पे कोई वैट नहीं, अब लोकल वैट 292,500, आईटीसी 248, सो लोकल वैट पेबल 44500, सीएसटी पेबल 144। सेल ही नहीं होती ना, तो भी तो वो अकाउंट नहीं किया मैंने, स्टॉक ट्रांसफर तो जैसे भी समझ लो, वो 2% डिटेन करिए गवर्नमेंट, ठीक है आप उसको कोरिलेट कर रहे हो, बात गलत नहीं है, गवर्नमेंट को अपना 2% चाहिए था, वो तो नहीं के से उन्होंने ले लिया। ठीक है प्लीज आगे बढ़ जाएं, समझ में आ रहा है एकदम इनपुट टैक्स क्रेडिट का। चलो इंपोर्ट्स एंड वैट, आई एम ऑन पेज 18, क्या लिखा आपने, CST इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट, कहां से एग्जेम्प्ट कर दिया मैंने, आगे बढ़े। इंपोर्ट्स एंड वैट, मैंने आपको पहले बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले समझाते वक्त, कि इंपोर्ट्स जो है वो वैट की ज्यूरिसडिक्शन के परे, वो इतना ही है, पढ़ देता हूं उसको। प्रेजेंटली स्टेट्स डू नॉट हैव पावर्स टू लेवी अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, it is also essential to bring imports into the VAT chain, this will need a constitutional amendment because of the availability of the set off, not only the cascading effect, what is cascading effect, tax on tax would be reduced, but the tax compliance would also improve, the empowered committee is discussing this issue with the government of India. ha tum ban jana na finance minister, ha sahi baat hai। chaliye next, input tax credit on capital goods,
ये भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये अलाउड है, मैन्युफैक्चरर को भी अलाउड है, ट्रेडर को भी अलाउड है, रूटीन में 36 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड है, बाकी जैसा स्टेट के वैसा कर लो, ठीक है। सो इनपुट ट्रेड ऑन कैपिटल गुड्स, इट मे बी कैपिटल आइटम्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, सिमिलरली मटेरियल एक्सेट्रा मे बी परचेज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। नॉर्मली टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स इज अलाउड। व्हाइट पेपर, अर्लियर दिस सेटअप वॉज अलाउड ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, बट एज पर व्हाइट पेपर, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, एज पर व्हाइट पेपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। कई बार ना व्हाइट पेपर करके पूछ लेते हैं, बात वही है। एक्चुअली वैट लॉ इज नो वेयर, देर इज नो सेंट्रल वैट लॉ, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो कहां से आ रहा है? व्हाइट पेपर से तो आ रहा है। वो कई बार एग्जाम के अंदर जानबूझ के पंगा लेने के लिए बच्चा सोचेगा ओहो ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, जिसने नहीं पढ़ा होगा वैसे वो सोचेगा व्हाइट पेपर में पता नहीं क्या लिखा, अरे जो कुछ पढ़ाया सब व्हाइट पेपर ही है। हाँ, किस पे वो क्या होता है? सेल तो सेल ही है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। रेट उसका डिफर कर सकता है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, अदरवाइज तो वो सेल तो सेल ही है। इसीलिए लिखा होगा, याद होगा जब आईटीसी अलाउड था तो फॉर सेल और रीसेल था ना। व्हाइट पेपर ये पूछेगी उस पर, नहीं नहीं सिंपल सी बात है, पूछेगी वैट लगता है कि नहीं, पहला तो उसका क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ये था। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई वो तो सिंपल आइटम ही है ना, बेच रही बिक्री है उसमें क्या है? कोई भी चीज समझे नहीं ना आप ये समझो कि दैट इज लाइक ए नॉर्मल सेल, फिर बाकी सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं। दिमाग उस पर लगाओ ना, एक बेसिक बात पे जाओ, कोई चीज सेकंड हैंड भी बिक रही है तो बिक तो रही है, सेल तो सेल ही है ना। व्हाइट पेपर, अर्लियर दिस सेटअप वॉज अलाउड ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, बट एज पर द व्हाइट पेपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कैपिटल गुड्स विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स मे बी एडजस्टेड ओवर ए मैक्सिमम ऑफ 36 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, द स्टेट्स मे एट देयर ऑप्शन रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इन महाराष्ट्र इट इज अलाउड इन वन स्लॉट। एज पर व्हाइट पेपर देर इज ए नेगेटिव लिस्ट फॉर कैपिटल गुड्स, यानी कुछ आइटम्स ऐसी हैं व्हाइट पेपर में जो डिफाइन कर दी गई कि इस पर नहीं मिलेगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मोटर व्हीकल्स, एलिवेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, एंटरटेनमेंट आइटम्स लाइक टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, कैमरास एक्सेट्रा, लिस्ट में वेरी इन ईच स्टेट। इन पे वैट इनपुट कैपिटल इनपुट पे नहीं मिलता, नेगेटिव लिस्ट होगी। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लीजिए दो चार कि भाई कैपिटल गुड्स में कौन सी नेगेटिव लिस्ट है, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स कि भाई इस पे नहीं मिलता, कैमरा, डीवीडी प्लेयर, फलाना फलाना फलाना। एनीवेज, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस तो सब जगह ही चाहिए, देर इज नो डाउट। दूसरा, जहां इंस्टॉलमेंट्स में है इट शुड बी क्लेम्ड अकॉर्डिंगली। तीसरा, जहां परमिशन चाहिए परमिशन लियो। चौथा, हाँ ये पॉइंट है सबसे बढ़िया, ये सभी पे एप्लीकेबल है, लिखा यहां है वो एप्लीकेबल सब पे है। वैट में नहीं, बहुत बड़ा पंगा है एक, कि आपने किससे माल खरीदा, शायद मैंने पहले भी बता दी ये बात आपको, किसी से माल खरीदा, खरीदोगे तो क्या करोगे, वैट दोगे। जो आपने वैट पे किया उसका क्रेडिट लोगे। सपोज जिसको आपने पेमेंट की वो पार्टी डूब गई, डिफॉल्ट कर गई, और उसने वो वैट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मेरा क्या कसूर है, जो भी है, क्या कसूर है इसमें हमारा, कि हम सामने वाली पार्टी को जज नहीं कर पाए, बिजनेस एरर। मे साउंड थियोरेटिकल बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। अगर आपने पैसे ही नहीं जमा कराए तो वो क्रेडिट कहां से मिलेगा? सपोज आप चेन में थे, कुछ पहले पैसे जमा हो चुके थे, समझ रहे हो, तो फिर जितना पैसा पहले जमा था उतने का मिल जाएगा, होता ना। एक चीज पे पहले 100 रुपए टैक्स लगा, फिर 150 लगा तो 50 रुपए और हो गया, फिर 250 लगा तो 100 और हो गया, ऐसे बीच में एक पार्टी डूब गई तो उसके उसका जो डिफरेंशियल वैट था आपने तो पूरा दिया है, घुस रही है बात दिमाग में। सपोज एक चीज पहली बार बिकी 100 रुपए वैट लगा, फिर दोबारा बिकी 150 रुपए लगा, इफेक्टिवली उसने पे 50 रुपए किए लेकिन बाहर ने तो पूरे 150 दिया होगा, फिर दोबारा बिकी 300 रुपए वैट लगा तो वो 150 रुपए पे करेगा लेकिन आपने तो पूरा 300 दिया। तो सपोज आपने जिसको 300 दिया वो डूब गई पार्टी, वो डिफॉल्ट कर गई, भाग गई, जो भी हुआ चल हो गया, होता ही है दुनिया में सब कुछ होता है। तो लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 150 तो जमा ही थे, वो 150 क्रेडिट मिल जाएगा बस, बाकी 150 रुपए तो आपके डूब गए। जो भी है सवाल ये है कि सरकार के पास टैक्स आएगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर पैसा आया ही नहीं तो कहेगा क्रेडिट,
तो मैं उसको ढूंढने जाऊं, जा उस पर केस करूं, करो उसका सर फोड़ो फोड़ो, गोली चलाऊं चलाओ। सरकार कहती है हमें जब आपने टैक्स दिया नहीं तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, बस हमें तो इतना ही पता है। वो तो बता देगी सेल टैक्स वाले आपको बुढ़ गई तुम्हारी किस्मत, जिससे 1 करोड़ का माल खरीदा था वो आपके 12.5 लाख रुपए में लेके डूब गया, हो भाई मर गया, मैं तो मर गया मर गया मर गया। सर कंप्यूटराइज सिस्टम है, सर कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है, धीरे धीरे सब पता लगने वाला है, हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अभी तो हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं चैप्टर जब खत्म होगा, कि इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया क्रॉस चेकिंग का, जिसमें वैट की रिटर्न को इनकम टैक्स और एक्साइज की रिटर्न से क्रॉस चेक करने वाले हैं। आप तो वैट की वैट में बात कर रहे हो, वो तो सब है ही है, वो सब तो है ही है। और आप सोचो सीएसटी में भी यही प्रॉब्लम है। अब सीएसटी तो आपने जिसको पे किया माल खरीदते वक्त, सपोज मैं यहां बैठा हूं और मैंने कर्नाटक से माल खरीदा, तो मैं यहां से पे करूंगा उसको, ठीक है ना, और वो उसने नहीं पे किया तो फंसा मैं, बेशक उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा लेकिन देना था ना मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी खड़ी हो जाएगी दोबारा से, वो भाग गया मर गया कर्नाटक में कहीं। हाँ बिल्कुल, अभी शुक्र है कंज्यूमर को छोड़ा हुआ है, माल मान लेते हैं आप एक टीवी खरीद के लाया और वैट दे के आ गए और वो पार्टी डूब गई, कल को पता लगा घर में चिट्ठी आ रही है जी वो पार्टी डूब गई, वैट नहीं दिया आपने, अभी कम से कम इतना नहीं है, दे आर कैचिंग ओनली द डीलर्स, कंज्यूमर इज फ्री एटलीस्ट, उसने माल खरीद लिया गुड फेथ में और वैट दे आया, बात खत्म। कल को हो सकता है वो कहें जी आपको भी चिट्ठी है, आपने वैट नहीं दिया सर पेनल्टी लगाओ और क्या, आप ऐसे दुकानदार से माल ही क्यों लाए, अरे ये क्या बात हुई, हो सकता है, यू नेवर नो, कल को लॉ फिर से वॉरमेंट हो जाए। Fourth item, in some cases the state VAT law specifies if the vendor has not deposited the VAT, the purchaser is not entitled to claim it set off. Nahi milega usko set off. At the most it can be claimed to the extent of VAT deposited in the chain earlier. Thus buyer should be cautious enough to purchase goods from a person of repute, because if after his payment of VAT the seller does not deposit it in the government treasury, he will not be entitled to set off. Bada clear a law. मरी गिलोरे बाबा। नेक्स्ट, इनपुट परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स, पहले भी 1000 बार पढ़ा चुका हूं, नॉट अलाउड नॉट अलाउड नॉट अलाउड, ठीक है ना, जो आइटम आप दूसरी स्टेट से खरीदते हैं उसका क्रेडिट कहां मिलता है, नॉट अलाउड। क्वेश्चन, डिटरमिन हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू डीलर ए इन दिल्ली इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग परचेजेस, किस किस पर कितना जो है क्रेडिट अलाउड है। बातचीत नहीं प्लीज, इनपुट परचेज इंटरस्टेट परचेजेस पहला कितना क्रेडिट अलाउड है, नहीं इंटरस्टेट परचेजेस पर क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा, लोकल परचेजेस फ्रॉम विद इन द सेम स्टेट 4.5 लाख, वैट 12.5% इंक्लूड, 4,50,000 इस पर वैट एट 12.5 आउट ऑफ 112.5 50,000। Is it fine? आगे बढ़ो। थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर के अलाउड नहीं होगी। फोर्थ, गुड्स परचेज फ्रॉम अ डीलर मिस्टर बी हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन डीलर भी अलाउड नहीं है।
फिफ्थ लोकल परचेजेस फ्रॉम विद इन द स्टेट दिस टाइम 4% वैट इज इट फाइन लोकल परचेजेस फ्रॉम द फ्रॉम विद इन द स्टेट वैट इज नॉट चार्ज्ड सेपरेटली इम्प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं चलेगा इज इट फाइन आगे बढ़े कैपिटल गुड्स परचेज विच इंक्लूड्स डेली वैट 3,60,000 एज पर द लॉ अज्यूम द क्रेडिट इज अलाउड इन 36 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स नाउ इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं कि ये जो कैलकुलेशन है वो मंथली है या एनुअल है तो वैसे तो 10,000 पर मंथ बन रहा है तो वी अज्यूम इट फॉर अ मंथ एंड टेक 10,000 360 इनटू 1/36 कि भी कैलकुलेशन मंथ की है कि ईयर की है क्या है ये डेटा कहां लिखा है अरे वो तो 36 मंथली में ही लिखा होता है लेकिन अगर क्वेश्चन एनुअल होता है ना तो उसमें मैं 1,20,000 रुपए माइनस कर रहा होता कराऊंगा ऐसे भी क्वेश्चन अभी तो शुरू हुआ है वैट का चैप्टर है सच प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से तो कई क्वेश्चन हमारे एनुअल होते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ये डेटा है तो फिर मैं उसमें लूंगा 1,20,000 ऐसे ही क्वेश्चन में और अगर क्वेश्चन दिया होगा जनवरी का निकालो फरवरी का निकालो क्वार्टर का जैसा क्वेश्चन होगा वैसा करूंगा मैं ये 36 इंस्टॉलमेंट का मतलब है इस तरह से अलाउड है अब मुझे कितनी क्लेम करनी है वो तो डिपेंड करेगा मेरा टैक्स पीरियड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में अगर टैक्स पीरियड 1 month दिया हुआ तो मैं 1 इंस्टॉलमेंट लूंगा क्वार्टर है तो 3 महीने की लूंगा साल है तो 12 लूंगा सिंपल है नेक्स्ट गुड्स परचेज 72,800 इंक्लूडिंग 4% वैट गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स नॉट अलाउड इंपोर्टेड फ्रॉम जापान बोले तो 68 है ना टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ठीक है इजी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स